अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। और ये देखें, ये जो अम्मी वाला सूट है इसको मैंने प्रेस किया है क्योंकि आज मैं ये पहनने लगी हूँ, और आज की शर्ट भी इस्त्री कर दिया है। और आज हम क्यों तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारे घर आ रहे हैं मेहमान लाहौर से। और कौन हमारे घर आ रहे हैं वो अभी आप आगे चल के देखेंगे इसी व्लॉग में। तो काम जो है ना घर का हो गया है कम्प्लीट, बस अब हम कपड़े प्रेस करके कपड़े पहनने लगे हैं। तो आपसे बस मिलती हूँ अभी तैयार होकर। अम्मी का सूट पहन लिया है, कैसी लग रही हो? अम्मी के सूट पे छापा मार लिया है। आप मेरे मुझ में फर्क है, हम दोनों की एक चीज होती है। मेहमान आ रहे थे ना तो अम्मी ने कहा कि ये वाला सूट पहन लो, ये अच्छा लगेगा। मैंने कहा चलो पहन लेते हैं। तो लाहौर से आ रहे हैं, इतनी दूर से आ रहे हैं, वो लोग रास्ते में पहुंचने वाले हैं, फिर आगे का व्लॉग भी आपको दिखाएंगे। तो जल्दी से आप लोग पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अब्दुल हादी अब और अच्छी अच्छी बातें आज ज़रूर सुननी है पूरी जी, बिल्कुल पूरा व्लॉग देखना है, इसके बिल्कुल नहीं करना। और अभी अम्मी ने जो है ना वो कपड़े नहीं पहने हुए, अम्मी को कह रही हूँ अम्मी आप भी तैयार हो जाए, अब्दुल आज स्कूल से आ जाए तो उसके भी कपड़े चेंज करवाती हूँ। कमरा जो है ना वो साफ, ये देखिए इस तरह से सेट करके रखा है। ये टेबल यहाँ पर रखी है, ये वो यहाँ बैठ जाएंगे, कोई और बेड पे भी बैठ जाएंगे तो यहाँ चाय वाय रख देंगे ना। मेहमान हमारे जो है ना वो मुल्तान उतर चुके हैं बस से, अभी वो रिक्शे में बैठ रहे हैं, रिक्शे से यहाँ तक आने में हमको आधा घंटा लग जाएगा। तो हम लोगों ने ना चाय का सामान तैयार करके रखा हुआ, लेकिन उससे पहले मैंने चावल भी चढ़ाए हुए हैं, चावल बना रही हूँ, मटर वाले चावल बना रही हूँ। तो लग रहे जब तक कि वो घर आए तब तक चावल बन जाए, और फिर इनको उतार के ना फिर मैं चाय रख दूँगी। तो पहले हमको चाय दे देंगे फिर खाना, मना तो किया था उन्होंने कि खाना ना बनाएं, सिर्फ आप चाय बना दीजिएगा, लेकिन इतनी दूर से वो आ रहे हैं, चलें जितनी हमारी हैसियत है बंदा उतना तो कर ही सकता है, बिल्कुल करेंगे हम। अभी हम तो बेफिक्र होकर बैठ गए थे, हमने समझा कल आएंगे। चलो हमारे घर में सब सामान पड़ा था लेकिन हमने पकाना शुरू नहीं किया, हमने कहा चलो शायद वो आज ना आए कल आए, उन्होंने अचानक फोन आया कि हम आ गए हैं। उन्होंने जो कहा हम रात को आएंगे, फिर होटल में रुक कर सुबह आपके घर। चलो खैर है, चावल दम पे लगा के फिर चाय रख देंगे। ये सलाद बना के फ्रिज में रख रही हूँ और चावल जो है वो भी दम पे आने वाले हैं, तो मैंने कहा पहले से ही सारा काम करके रख दूँ। अब मैं तो मतलब चीज़ें उठा के रख नहीं सकती, भाग दौड़ वाला काम उस टाइम फिर अच्छा भी नहीं लगता, मैं मनाए बैठे हूँ, और मैं तो फिर कर भी नहीं सकती भाग दौड़ वाला उसी टाइम, तो मैं सब कुछ ना पहले करके रख रही हूँ। कमरा जो है ना वो साफ, ये देखिए इस तरह से सेट करके रखा है। ये टेबल यहाँ पर रखी है, ये वो यहाँ बैठ जाएंगे, कोई और बेड पे भी बैठ जाएंगे तो यहाँ चाय वाय रख देंगे ना। जब मेहमानों ने आता है ना कोई पंगा ज़रूर होता है। अब लाइट चली गई है तो भाई पता नहीं कब आएगी, अब अंधेरा सारा कमरे में मचा पड़ा है। हाँ तो हाँ जी, तो मैंने आपको बताया था ना कि हमारे घर मेहमान आ रहे हैं लाहौर से, इतनी दूर से हमारे मेहमान जा रहे पहुँच चुके हैं, ये है हमारे मेहमान। हैप्पी फैमिली, जन्नत फैमिली, जन्नत हैप्पी फैमिली पहुंच चुकी है ब्रेव क्वीन के घर, हैप्पी हैप्पी करने और अभी इतनी दूर से। ये तो फिर देख लेना नसीबों की बात है, देख ले अल्लाह ने कहां से कहां मिलवा। अच्छा, हम सुबह से ना इंतजार करे थे आपका, जब आपने कहा ना कि अभी बस बहुत स्लो चल रही है शायद हम कर लाए, हम थोड़े ढीले हो वो दरअसल आइडिया नहीं ना था क्योंकि व्यूवर्स रास्ते में बहुत धूम थी, और जैसे ही हाफ जो हमारी ट्रैवलिंग कंप्लीट हुई है ना उसके बाद जो है वो थोड़ी गाड़ी ने भी स्पीड पकड़ ली,
और जनाब हमने भी फिर खुश हो गए क्योंकि फर्स्ट टाइम आए ना, तो हमें था क्योंकि ड्राइवर से भी पूछो, उसने कहा 8 घंटे लगेंगे, तो हम भी हैरान हो गए 8 घंटे। फिर हमने कहा चले, फिर हमने सिस्टर को फ़ोन किया कि आप भी रिलैक्स हो, हम भी रिलैक्स हो कि गाड़ी में बैठे हैं, तो लेकिन शुक्र अल्लाह का 3 घंटे 3.5 घंटे में पहुँच आए। ऐसे हम भी डीलर बस बेफिक्र होकर बैठ गए, फिर जब फोन आया मैंने कहा ओ उठो, वो तो उधर आए मुल्तान, वही कहा ना आइडिया नहीं ना था, वैसे भी नहीं, मोटरवे का सिस्टम बहुत अच्छा है उसकी वजह से। और इनके बच्चे भी माशाल्लाह, बच्चों को आप साथ ही नहीं ले आए, हस्बैंड वाइफ आए हैं, भाई आज भाई हमारे कैमरा मैन बने हुए तो क्या आंटी तकलीफात में पड़ गई, आंटी को बोला भी था कि ना इतनी करें, बेटी है खा रही तो कुछ तो बनता है ना, आपको प्यार इतना है माशाल्लाह कि ये हमें जन्नत के तोहफों से भी बढ़ के तो मेहमान जो है ना खुद अपना रिस्क लेकर आते हैं, अल्लाह के फर्ज होते हैं। नहीं ये तो 100% सिस्टर की बात ठीक है, क्योंकि आज हम जा रहे थे पिंडी और देख ले आ गया मुल्तान, गाड़ी का ऐसे रुख चेंज हो गया कि क्रिजा का मैं यहाँ ले आया तो बस ज्यादा कुछ नहीं है, नहीं नहीं बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, कहते हैं ना प्यार, आप लोग जो है ना मेरे देखने वाले जितने भी हैं जरूर इनके चैनल पर जाइएगा, ये भी तो फैमिली पूरे अपने बच्चों के साथ हस्बैंड के साथ ब्लॉग्स बनाते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे ब्लॉग्स बनाते हैं, तो फैमिली ब्लॉग्स होते हैं ना तो देख के चेहरे पे स्माइल आ जाती है वैसे भी तो इनका लिंक जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ज़रूर आपने इनके चैनल पर चले जाना है, सब्सक्राइब करके इनको बताना है कि हम ब्रेव क्वीन की तरफ से आए हैं, तो उससे पहले वीडियो पूरी देख लें फिर जाइएगा, ब्लॉग अभी चल रहे हैं तो अभी खाना खा लें फिर आगे चलते हैं, आपके साथ शेयर करेंगे क्योंकि कैमरा मैन ने भी खाना खाना है इसलिए यहाँ पे होती है वीडियो स्टॉप। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। चावल हमारे फेवरेट होते हैं। चलो भाई खाना छाना हम लोगों ने खा लिया है, अब बैठ के बातें कर रहे हैं और हो रही है आप ये बताइए मुझसे मिलके आपको कैसा लगा अपने बहुत कीमती बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो बार बार यही कहूँगी कि हमेशा पहले मिले फिर उसके बाद जो है माइंड पास करें, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं सिस्टर, बहुत अच्छा लगा, खाना भी ज़बरदस्त था, गपशप भी ज़बरदस्त रही, और अब बाकी का आप कमेंट में बताइएगा आपको हमारा कैसा लगा। बहुत करेंगे कहीं जाए ना तो मेरा ख्याल मैं तो कभी भी किसी के घर नहीं, नहीं ये आज ऐसा लगा कि माशाल्लाह यकीन करें अपनी बहन के घर हमें भी ऐसे खुशी हो रही है कि मेरा बेटा आ गया, इन्हें बहुत खुश रखे अल्लाह, बहुत कामयाब करे, बड़ी खुशी हुई है, अल्लाह इनके बेटे को भी जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह उसे नेक लायक करे, तो अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे, आपको अपने बच्चों की खुशियाँ दिखाए और आपके घर में बरकत दे, अल्लाह ताला कामयाब करे, अल्लाह ताला जो कोशिश कर रहे हो मेहनत जो करते हैं इंशाल्लाह अल्लाह जरूर उसका फल देता है। सही है, हमेशा ऐसा होता है कि यूट्यूबर जो होता है ना हिम्मत हार जाता है कभी कभी, लेकिन सही है सही है, लेकिन जब वो कामयाब होता है ना पिछली में सारी चीजें भूल जाता है वो, फिर उसको वो अपनी थकावट उतर जाती है, ऐसे ही है, और थकावट उसको महसूस नहीं होती है फिर। इंशाल्लाह आपको भी बहुत जल्दी इंशाल्लाह आप लोग जरूर इनके चैनल पर जाके देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग होते हैं, और नेम जैसे कि मैंने सिस्टर ने आपको पहले ही बता दिया कि चेंज हो गया, दरअसल रिसेंटली चेंज हुआ है ना तो इसलिए वो जरा अभी मुंह पे नहीं आ रहा है, याद भी नहीं हो रहा है, तो वो हमारा जन्नत हैप्पी फैमिली माशाल्लाह से। तो अभी मगरिब का टाइम होने वाला है, वीडियो का एंड करते हैं क्योंकि अंदर हमारे लाइट है नहीं, लाइट नहीं, आज वापटा वालों ने हमारे साथ बड़ा गलत किया, तो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, अभी इनको अल्लाह हाफिज कहने का टाइम आ गया, तो बहुत अच्छा लगा, पता ही नहीं चला टाइम कैसे गुजर गया, फिर बच्चों को भी ले आएगा मुल्तान, आपको दिखाएंगे, हमने नहीं आना, आपने लाहौर में आना, इंशाल्लाह हमने भी आना है लाहौर में, दाता साहब के दरबार जी आएंगे, जरूर आएंगे, बस हम ये हमारा मसला होता है कि हम कहते हैं मैं अम्मी और राहत तो नहीं जा सकते ना, तो साथ हो
मुझे संभालेंगी, क्या हाथ को संभालेंगी, और इसका शोहर साथ चलता नहीं, जाते नहीं। हाँ उसकी कोई मसला नहीं है, आप यहाँ से बस बैठ जाएं, या आप यहाँ, हमें तो इसका कोई आइडिया नहीं है, नहीं तो आपको बताते कि यहाँ से बैठे वहाँ उतर जाएं। नहीं नहीं इधर से बैठ तो जाएंगे, कोई मसला नहीं है, लाहौर का चप्पा चप्पा जानते हैं माशाल्लाह, आपको इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, आप आ जाएं, हर तरह की मौसम कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह, आज वैसे अल्लाह पाक ने तो बहुत करम किया, मौसम अच्छा हो गया, लेकिन हाँ। वालों ने ज्यादती की। हाँ, आज वापटा आ रहे हैं, दुश्मनी की थी। चले जी हम भी चलते हैं, आपसे इजाजत चाहेंगे, उम्मीद है आपको हमारा व्लॉग, हमारी बातें अच्छी लगेंगी, हमारे मेहमान अच्छे लगे होंगे माशाल्लाह। इंशाल्लाह फिर आपसे कल मिलते हैं, तो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।